देसी इंडियन फूडोलॉजी में आपका स्वागत है। भरवा मसालेदार बैंगन और गर्मा गर्म पराठे, ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है ना कि हर कोई इसे हद से ज्यादा पसंद करता है। इस डिश में जो कमाल करने वाला है वो है बैंगन में पड़ने वाला मसाला। अगर मसाला सही बना लिया तो समझो आप जंग जीत गए। तो चलिए, डिलीशियस और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स दिखने वाली इस रेसिपी को देसी इंडियन फूडोलॉजी के साथ सीखते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। कुछ बेसिक्स इंग्रेडिएंट्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, जैसे छोटे छोटे बैंगन, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन। चलिए बैंगन मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं। एक बाउल में डालें लगभग 3 चम्मच भुना हुआ बेसन, 4 चम्मच भुने हुए फलीदाने का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच भुना जीरा पाउडर। सारे मसालों को मिक्स कर लें और इसमें डालें 1 चम्मच तेल और मिक्सर को हाथों से मिक्स करके कुछ इस तरह से प्रिपेयर कर लें। बैंगन को साफ करके रखा है और उसका डंठल भी इंटैक्ट रखना है। इस तरह से 2 कट लगाएं बैंगन में। जैसे अपने पड़ोसी के घर में ताका झाकी करते हो, वैसे ही बैंगन के अंदर भी ताका झाकी कर ले, ताकि अगर कुछ कीड़े वाले बैंगन हो तो उन्हें डिस्कार्ड कर दें। इस तरह से कट लगाकर सारे बैंगन प्रिपेयर कर लें। अब इस बैंगन में इस तरह मसाला भर लें और सारे बैंगन को मसाला भर के प्रिपेयर कर लें। एक पैन या कढ़ाई में डालें 2 चम्मच तेल और गर्म होने पर डालें बैंगन और इन्हें लिड से कवर करके लगभग 4 से 5 मिनट तक पकने दें। 4 से 5 मिनट बाद इन्हें टर्न करके फिर से 3 मिनट तक लिड लगाकर पकने दें। देखो सारे बैंगन 90% तक पक चुके हैं। अब इन्हें बाहर निकाल लें, बाकी का 10% ये ग्रेवी के साथ पकेंगे। अब उसी पैन में डालें 2 चम्मच तेल और गर्म होने दें। गर्म होने पर डालें थोड़ा सा हींग, 1 चम्मच जीरा और अदरक प्याज हरी मिर्च का पेस्ट। अदरक प्याज हरी मिर्च की क्वांटिटी शुरू में दिखाई थी। पेस्ट को अच्छे से मिक्स करके लगभग 5 मिनट तक पकने दें। अब डालें इसमें 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच नमक और मिक्स कर लें। अब डालें इसमें बैंगन का बचा हुआ मसाला, यही इस ग्रेवी को एक रिच टेक्सचर देगा और टेस्ट देगा। मसाला डालकर मिलाते हुए लगभग 1 मिनट तक पका लें। और अब लिड से कवर करके मिक्सर को लगभग 3 मिनट तक और पकने दें। मिक्सर कुछ इस तरह से साइड से ऑयल छोड़ने लगेगा। अब इसमें डालें फ्राइड बैंगन और मिक्स करते हुए 1 मिनट तक पका लें। और उसके बाद लिड से कवर करके लगभग 2 से 3 मिनट तक और पकने दें। हरी धनिया की बरसात कर दो और देखो तैयार है भरवा बैंगन या मसाला बैंगन। गर्मा गर्म पराठे या रोटी के साथ ठूस कर खाएं और सब्सक्राइब का लाल बटन दबाते हुए अलविदा कहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही। धन्यवाद।